हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। मेल नर एक्सटर्नल बाय जननांग, नर बाह्य जननांग हिंदी वाइज का मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वास्तव में पेनिस है। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस है, सिसी पेनिस। पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है। तो वास्तव में पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस को कहा जाता है। पेनिस जो है ये जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, मतलब लंबा तथा बेलनाकार मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। नर समागम अंग है, मतलब मेल का जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस। लंबा बेलनाकार नर समागम अंग जो है पेनिस है। इसकी लंबाई जो है लगभग 6 cm जो है लॉन्ग होता है। ये वैरी कर सकता है, लेकिन एक लगभग में जो है लगभग 6 cm लंबा जो है साइज होता है इसका। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य जो है इंसेमाइनेशन का कार्य। इसका फंक्शन जो है इंसेमाइनेशन है। इंसेमाइनेशन का मतलब वीर्य सेचन। इंसेमाइनेशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ स्पर्म इनटू विजाइना के अंदर स्पर्म का स्थानांतरण इंसेमाइनेशन कहलाता है। शुक्राणु का स्पर्म का योनि विजाइना के अंदर स्थानांतरण जो है इंसेमाइनेशन कहलाता है। तो यही कॉपुलेशन का मतलब होता है। कॉपुलेशन के द्वारा मेल जो है पेनिस के सहारे फीमेल के वेजाइना के अंदर जो है स्पर्म ट्रांसफर करता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इंसेमाइनेशन कहते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है इंसेमाइनेशन को समझना है। तो पेनिस का महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो इंसेमाइनेशन है। तो पेनिस के बारे में हम लोग देखें, बहुत साधारण चीज़ है, जानते हैं हम लोग। तो पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। ये लंबा बेलनाकार नर समागम अंग है। इसकी लंबाई लगभग 6 cm होता है, और इसका फंक्शन जो है इंसेमाइनेशन है। ये जो है मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये विशेष ऊतक का बना होता है। विशेष ऊतक का जो है बना होता है, मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू, जिसको हम लोग इरेक्टाइल टिश्यू भी बोल सकते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है पेनिस।
और इसी इरेक्टाइल टिश्यू के बने होने के कारण जो है ये टिश्यू जो है हेल्प इन इरेक्शन, इरेक्शन माने खड़ा होने में, इरेक्शन खड़ा होने में, इरेक्शन ऑफ हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस विच फैसिलिटेट्स माने आसान बनाता है, आसान बनाता है इंसेमिनेशन, बीज सेचन को आसान बनाता है। जब पेनिस इरेक्ट होगा उसमें इरेक्शन आएगा तभी जाके जो है वो इंसेमिनेशन कर सकता है, वजाइना के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर कर सकता है। अगर उसका इरेक्शन नहीं होगा तब तक ट्रांसफरिंग का काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है इस इरेक्टाइल टिश्यू का बहुत बड़ा कार्य है कि पेनिस में इरेक्शन उत्पन्न करता है जिसे इंसेमिनेशन सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये जो है इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में है। अब पेनिस का जो इंड पार्ट है, पेनिस जो है उसका इंड पार्ट थोड़ा सा इनलार्ज होता है, तो इस इनलार्ज पार्ट को हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस क्या हुआ, इनलार्ज मैंने बड़ा, इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस, पेनिस का अंतिम भाग जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, इनलार्ज होता है। इनलार्ज इंड को ही हम लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। ये ग्लैंड्स पेनिस जो है एक स्किन, लूज स्किन से जो है ढका होता है। ग्लैंड्स पेनिस एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से घिरा होता है जिसको हम लोग फोर स्किन या प्री प्यूस कहते हैं। तो फोर स्किन या प्री प्यूस क्या हो गया, लूज लूज फोल्ड ऑफ स्किन कवर्स द पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस को कवर करने वाला जो लूज फोल्ड है, ढीला मोड, ढीला फोल्ड स्किन का जो ग्लैंड्स पेनिस को ढकता है उसको हम लोग फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। इसी प्रीप्यूस को या फोर स्किन को जो है काट के हटा दिया जाता है बच्चा में, जो स्पेशल कुछ विशेष धर्म में होता है, जैसे इस्लाम धर्म में जो है बच्चों का, मेल का जो है, मेल चाइल्ड का प्रीप्यूस को काट कर जो है हटा दिया जाता है जिसको खतना बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे खतना करना, तो खतना में क्या किया जाता है, फोर स्किन को या प्रीप्यूस को काट कर जो है हटा दिया जाता है। इसको बायोलॉजी में सरकम सीजर बोलते हैं, सरकम सीजर, सरकम सीजर, और अपना जो है भाषा में खतना। मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस या फोर स्किन बाय सर्जरी, सर्जरी के द्वारा जब हम लोग प्रीप्यूस को या फोर स्किन को काट के हटाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग सर्कमसीजन कहते हैं। स्पेशल जो है मुस्लिम या यहूदी में ये जो है किया जाता है सर्कमसीजन। तो इतना जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर हम